मेरी बाइक को लाए हुए एक महीना ही हुआ है, तो इतना एक तो गंदा हो गया है और यहाँ पे इतने मॉइस्चर है। ये देखो इसका जो कलर है ना वो फेड हो गया है, देख रहे हो आप। क्योंकि मैं समंदर के पास रहता हूँ, मतलब बीचों बीच में रहता हूँ, और इससे हो गया है कलर फेड। कोई बात नहीं, चलेगा। इधर धो लेते हैं इसको। थोड़ा उसके ओरिजिनल शेप में आ गया है, मतलब जो कलर था, जो कुछ था 700 तक ये कर लिया मैंने थोड़ा बहुत। ये ज़्यादा तो मुझे आता नहीं है तो कर लिया। बाकी अभी अपने आप को धो के नीट एंड क्लीन करना है, क्योंकि दिन के 3 बज गए हैं और मेरी बाइक को साफ़ करते करते मेरे हाथ और पैर सब कुछ एकदम गंदा हो गया है। नहा धो के रेडी होना है और आज फाइनली मेरी जो बाइक है उसका फीचर वीडियो होने वाला है। क्वाइट एक्साइटेड। आज आई होप कि बारिश ना हो, क्योंकि जब भी मैं प्लान करता हूँ उसका फीचर वीडियो बनाने के लिए हमेशा बारिश शुरू ही हो जाती है। देखते हैं आज क्या होता है। चलो थोड़ा नहा लेते हैं और कुछ खा भी लेते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं पिछले 15 दिन के बाद कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, और क्योंकि मेरा जो लास्ट वीडियो है उसमें मैं उसके 2-3 दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे 1 हफ्ते लगा उसको सही करने में, और 1 हफ्ते में ऑफिस नहीं गया, कुछ भी नहीं किया। और आज फाइनली आया हूँ अपने बाइक के फीचर वीडियो बनाने के लिए, और मेरे साथ सागर भाई है। उधर है। मेरी तबीयत ख़राब होने से पहले मैं 2-3 बार बारिश में भीग गया, और एक बारिश में क्या हुआ कि इतना भीग गया कि मेरे बैग के साथ साथ सब कुछ भीग गया, और उसमें मेरा चार्जर था, लैपटॉप का चार्जर, वो भीग गया, वो ख़राब हो गया, नया लेना पड़ा। और एक मेरे जो यूज़ करता हूँ कैमरा मैन, उसमें एक सेकेंडरी बैटरी था, मैं रखा था मैंने खरीद के, वो भी ख़राब हो गया, तो टोटली लॉस। और आज क्योंकि आज मेरी बाइक के ऊपर वीडियो बनने वाला ही है, तो मेरी जो बाइक है वो रेत में चलती है, रोड पे भागती है और पहाड़ पे उड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट द फीचर वीडियो ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। एक्चुअली एक सिनेमैटिक वीडियो था मेरे बाइक के ऊपर, और अभी उसके ऊपर मैं बोलने वाला हूँ कि उसका जो फीचर्स क्या क्या है। मेरी जो बाइक है उसमें उसका व्हील जो है 26x4 इंचज़ का व्हील है, और उसका जो एलॉय फ्रेम है ताकि वो उसका वजन कुछ ज़्यादा ना हो और आप अच्छे से चला सकें। और इसका गियर होता है 7 गियर्स, यानी कि 7x3 आपको मिलता है, 21 स्पीड का मिलता है आपको हाई स्पीड। और आपको इस पर और एक चीज़ सबसे अच्छी बात है कि डुअल डिस्क है ताकि आप जहाँ पे चाहे अच्छे से आप अपना संतुलन बनाए रखते हैं, आप रख सकते हो, आप ब्रेक अच्छे से मार सकते हो। और मुझे जो सबसे अच्छी बात इसमें लगी डुअल सस्पेंशन है ताकि आपको मतलब सपोज लॉन्ग जर्नी कर रहे हो या फिर आपको बैक, जैसे कि मुझे बैक पेन है तो साइकिल चलाने में, या फिर साइकिल ही तो है मतलब बाइक साइकिल एक ही है अभी क्योंकि मोटराइज नहीं है, ना ही ये इलेक्ट्रिक बाइक है। तो ये जो है उसमें आपको जब चलाने के टाइम बैक पेन होता है, मुझे खासकर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मुझे बैक पेन है। तो इसमें लेकिन डुअल सस्पेंशन है, आगे का सस्पेंशन है और पीछे का सस्पेंशन है, जिससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मैं जब भी मेरी बाइक चलाता हूँ मुझे थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आती इसमें। और जैसे जैसे आप उसको आगे चलाते जाओगे आपको बहुत सारे फीचर्स पता चलेंगे, और क्योंकि ये मैं 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे काम में और रोज़ भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगी बाइक। और अगर आपको ये बाइक चाहिए तो आप ये उसके इंस्टाग्राम आईडी पे कॉन्टैक्ट करो, वो एक होलसेलर है। और वैसे तो ये बाइक का चार्ज मतलब बाहर अगर खरीदोगे 30,000 के ऊपर आएगा या फिर 24,000 तो मिनिमम आएगा ही। और तो फिर आप एक काम, लेकिन मुझे ये 14,500 में मिल गई थी। अगर आपको ये बाइक चाहिए या फिर ऐसे ही कोई फैट बाइक चाहिए तो आप यहाँ ये आईडी पे कॉन्टैक्ट करो इंस्टाग्राम पे, उसको पूछो कि क्या क्या रेट है, क्या क्या कैसे कैसी बाइक है, ठीक है। आप वो आपको सबसे अच्छे तरीके से बता देगा। और आज के लिए ये ब्लॉग इतना ही, देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब यहाँ पे एक सर्कल आएगा उसको क्लिक करो, सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ, और तब तक कुछ भी करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय बाय।